खबरदार की है, जहां कोरोना के बाद अब प्रदेश में एक बार फिर आफत बरसने लगी है। प्रदेश के 8 जिलों में बर्ड फ्लू फैलने की दहशत भरी खबर सामने आई है, जहां कौओं की असामान्य मौत की खबर ने तहलका मचा दिया है। पत्रकारगणों द्वारा इसकी सूचना तत्काल पशु चिकित्सालय तक पहुंचाई गई, जिसके बाद डॉक्टर द्वारा मृतक कौए की सैंपलिंग की जांच हेतु धार भेजा गया। इस मामले में पशु चिकित्सक डॉक्टर सुनील बडोले ने बताया कि सैंपल में यदि बर्ड फ्लू वायरस होने की पुष्टि होती है तो शासन के निर्देशों अनुसार 2 किलोमीटर की परिधि को सील किया जाएगा एवं मुर्गी चिकन व्यवसाय पर तत्काल रोक लगाई जाएगी। डॉक्टर पडोले ने बताया कि नगर के सभी मुर्गी विक्रेताओं को सूचना दी जा रही है। इमरजेंसी हालात का सामना करने के लिए प्रशासन को तैयार रहने के लिए कहा गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के BMO डॉक्टर शिंदे ने नागरिकों से अपील की है कि बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए फिलहाल मांसाहारी भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करें व स्वच्छता का ध्यान रखें। ब्लड फ्लू से पूरे प्रदेश जिले में जो पक्षी मर रहे हैं, इस तरह की घटना आज बाघ में भी घटित हुई है। आइए पशु चिकित्सक बडोले जी से हम चर्चा करते हैं। सर नमस्ते। सर आज आपने अभी जिस कौवे का सैंपल लिया है सर, इसका आप क्या किया जाएगा? ये सैंपल सैंपल तरीके से उसको कलेक्ट किया है और ये आगे जांच के लिए ये धार भेजा जाएगा और वहाँ से जो आगे प्रोसेस है भोपाल अगर भेजते हैं तो वहाँ पर उसको भेज दिया जाएगा। और जैसे ही उसकी जो रिपोर्ट आएगी उससे रिपोर्ट हमें वापस बता दी जाएगी, उस तरफ पूरे एरिया में फिर जो छानबीन की जाएगी कि कहाँ ऐसी बीमारी और कहीं है कि नहीं। और जैसे कोई जानकारी मिलती है तो हमारा जो अमला है वो पूरी तरह आकर उसमें एक्शन कलेक्शन करेगा और सैंपल लेके धार आगे भेजा जाएगा। सर इस तरह की कोई सैंपलिंग और हुई है बाघ में? सर बाघ में तो नहीं है, टांडा में सैंपलिंग हुई है जो सैंपल के लिए भेज दिया गया है 2 दिन पहले से। लगना है। शुभ नाम सर आपका? मैं डॉक्टर सुनील बोल रहा हूँ। किस पद पर सर? मैं VS के पद पर हूँ। सर नमस्कार। सर वर्तमान में जो अभी मध्य प्रदेश में ज़्यादा प्रभावित है स्वाइन फ्लू बर्ड फ्लू, अभी इस संबंध में बाघ में भी ऐसे कई मृत पक्षी पाए गए, आपके द्वारा जनता से क्या अपील हो सकती है? अभी कुछ विगत दिनों से जानकारी में आया है कि बर्ड फ्लू भी चल रहा है और कई पक्षी अचानक मौत के शिकार हो रहे हैं, बड़ी संख्या में सब पक्षी शिकार हो रहे हैं मृत्यु के। तो अभी बर्ड फ्लू को लेकर मेरा ये कहना है आम जनता से कि जो पोल्ट्री फार्म के बॉयलर वगैरह मुर्गा मुर्गी जो है वो इस प्रकार का सेवन नहीं करें अभी, क्योंकि इससे मानव शरीर भी प्रभावित होता है और उनको भी बीमारी होने की संभावना है, तो इस चीज से दूर रहे वो। ऐसी ही पैनी खबरों पर हम रखते हैं नजर, देखते रहिए अखबार जगत।